नमस्कार, आज हम लोग जिलापाल कार्यालय में, अब हम देख सकते हैं यहाँ से तालपट्टा पड़ा, स्टेशन पड़ा, हर तरफ से कई माँ बहनें आ चुकी हैं और वो चाहते हैं कि उनका जो 500 रुपया भत्ता मिलता है उसको 1000 रुपया किया जाए। और भी कई लोग हैं, आइए मिलेंगे संबलपुर के डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष श्री अश्विनी बाबू से पूछिए। ठीक है, नहीं थे एक मिनट है। और सर, आज हम सब डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष श्री अश्विनी गुरु जी हैं। सर, आज जो हम देख सकते हैं बहुत सारी जगह से लोग आए हैं और सबके लिए आप कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। मधुआ पाली से भी हैं, तालवट्टा पाड़ा, चंदन नगर, स्टेशन पाड़ा, प्रदेशी पाड़ा, हर तरफ से लोग आए हैं। तो सर, आज प्रोग्राम रखो भेजे नाम तालवट्टा पाड़ा मधुआ पाली लोग आई हम अजी हमार तालवट्टा पाड़ा रो चंदन नगर तालवट्टा पाड़ा प्रदेशी पाड़ा रो अनेक महिला मैंने आ सेमानकर दाबी नहीं करे आछन सेमाने तांकर दाबी हला रास्ता घाट पुनर्निर्माण करबाटा, तांकर दाबी हला पानीय जल जगई देबाटा एवं अनेक प्रकार सेमानकु ठीक भाबरे कार्ड गुड़ाक मिली नहीं, राशन कार्ड गुड़ाक मिली नहीं, जहाँ फल सेमाने जिलापालक सहित साक्षात करिवे एवं जिला कांग्रेस कमिटी तरफ आमे तांकु संपूर्ण भाव। तो सर, आर गुडी माने कथा कहउछन, अन्य पक्ष रे आमर मानेश्वर ब्लॉक रो बदुआपाली गाँव रो अनेक भद्र महिला रसीपड़ा रो अनेक भद्र महिला एवं युवक माने भी आछन सेमाने आमर संजीव गड़िया जी आमर ओबीसी सेल एससी सेल रो जी अछन सभापति एवं संबलपुर टाउन कांग्रेस कमिटी रो सभापति विजयलक्ष्मी एवं जसवीर सिंह आपण सहित समस्त आछन इमाने इमानकर दाबी हला बदुआपाली गांववासी दाबी हला रथीपड़ार दाबी हला जे सेमानको पानीय जल जोगाण हो पारो नहीं, रास्ता मध्य नहीं एवं जहाँ तैयारी होती आपणको सेमानको शौचालय गुड़िक तैयारी होता 2 वर्ष पूर्व जहाँ मोर अवगत हो सब गुड़ाक भांगी जाए तेणु ए दिगरे जिलापाल जिला प्रशासन तुरंत रु तुरंत पदक्षेप ग्रहण करूँ एवं ए समस्त दाबी को न्यायसंगत दाबी जनसाधारण समस्या को समाधान करने कांग्रेस दल आगे आदि यार समाधान न हुए ताहले जिला प्रशासन ही दायी है। आर गोटे कथा आज्ञा जेना एम को आज 500 टाँह भत्ता मिलूचे से मैंने डिमांड कर 1000 टाँह मिलवार कथा आ जहाँके 700 मिलूचे ताकि 500 मिलवार कथा कारण कि आजिकल 500 टाँह कण हो किसी काम नहीं देवा नहीं जहाँके 500 टाँह मिलूचे वर्तमान भत्ता सेमाने दाबी करछन सेमानको भत्ता को 1000 टाँह जाए वृद्धि करबार लागि ए दाबीटा पूरापूरी भावे न्यायसंगत दाबी न्यायसंगत दाबी वर्तमान परिस्थिति जेन्ता करी दरदाम हो ही बढ़ी चलिछे अत्यावश्यक जिनिषपत्र डाली चाउल लुण तेल सब बढ़ी चलिछे आपणकर 500 टाँह नहीं हेले आपण गोटे बैग्रे पनीपरिया आनी नहीं पार्बार इ प्रकार परिस्थिति रे 500 टाँह भत्ता किसी नुहे ताके वृद्धि करा जाऊ 1000 टाँह पर्यंत ताके करा जाऊ जार फलरे ये राज्य सरकार ये दिगरे तुरंत पदक्षेप ग्रहण करवा लगी मो राज्य सरकार कर दाबी कर 700 जाके आज्ञा ताके 1200 करवा लगी करा जाऊ ठीक ठीक से ही भाव में 700 टाँह जो मानक भत्ता मिलती से भत्ता को 1200 टाँह वृद्धि करा जाऊ वर्तमान परिस्थिति वर्तमान आर्थिक अवस्था को देखकर जनसाधारण ये न्यायसंगत दाबी को सरकार तुरंत पूरण करूँ नचे कांग्रेस दल निश्चित भाव में ये न्यायसंगत दाबी को नहीं भविष्य में आंदोलन सृष्टि कर सन्देह ना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप गोटे कारण कह जेनटा भत्ता लगे डिमांड कर भत्ता लगे जेन कौन गरीब महिला मैंने देख मोदी सरकार यहाँ तेल 200 टाँह करदे एक लिटर डाइल 200 टाँह केजी करदे के खाबे 500 टाँह 500 टाँह भी 5 घंटा भी ना जाए छुआ पोता अच्छा बुढ़ा बुढ़ी अच्छा घर लोक बैग अच्छा कैंते करी इन चलबे से आमर डिमांड है कांग्रेस पार्टी आड़ इन को 1000 रु 1200 टाँह जाए मास्क दि जाऊ। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बोल दिए शॉर्टकट में मैडम बोलेंगे आप सर जिस तरह जो लोगों ने 500 को 1000 रुपया भत्ता किया जाए जी सर 500 से 1000 रुपया होना चाहिए 700 से 1200 रुपया होना चाहिए क्योंकि अभी तक
ऐसे बढ़ रहा है दरदाम कि लोगों को खाने का जीने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो 500 रुपया में क्या होता है, एक साड़ी भी नहीं मिलता। 500 रुपया में क्या होता है, दो एक गैस नहीं मिलता डेली का। 500 रुपया में क्या होता है, एक तेल तेल नहीं मिलता। 500 रुपया में दो तेल, एक महीना का तेल नहीं मिलता। 500 रुपया में लोगों को जो दे रहे हैं सरकार, वो जैसे कि कुछ भी नहीं मिलता उनको। तो जैसे इन लोगों को ऐसे भुआ बुलाया जा रहा है, तो सभी आदमी को 1000 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। हम भी चाहेंगे इनका 500 का जगह में 1200, 500 की जगह में 1000 और 700 की जगह में 1200 रुपया हो, क्योंकि ये लोग जाएगा आज के दिन में 500 में होता क्या है, कुछ नहीं होता है। एक सब्जी एक दिन में चले जाता है 500 रुपया। और हम भी हमारा न्यूज़ चैनल की तरफ से बोलना चाहेंगे सरकार को, ये सरकार आप इनकी बात मान लो, नहीं होगा तो आगे इन लोगों भी बहुत बड़ा प्रत्यक्ष मिलेगा। अभी तो कुछ ही लोग आए हैं, उसका तो हजार हजार की संख्या में लोग आके यहाँ योगदान देंगे। आपकी आवाज़ संबलपुर जसवी सिंह। ठीक, ये भी चाहते हैं कि हर महीना पैसा मिले, और एक महीना में एक दिन नहीं दे, कम से कम 4-5 दिन दे तो लोग पूरा पैसा ले गए। एक दिन में देता है तो दूसरे दिन देता नहीं है, फिर उसका तो पैसा ही नहीं मिलता है। आपकी आवाज़ संबलपुर।